So we are going to take now D and F block elements. That means we have to deal with the D block and F block elements in this chapter. सबसे पहले आप periodic table पे नजर रखिए. Periodic table जो हमारा होता है उसमें हमारे पास जैसे हम जानते हैं एक ये block जिसमें एक group, ये जो मैं green से यहां दिखा रहा हूं, ये जो हम दिखा रहे हैं these are the groups. 1, 2, 3, 4 और ये जो है हमारे पास पीरियड्स हैं. तो पीरियड टेबल में हम जानते हैं हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स हैं. इनमें ये जो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ये हमारे पास एस ब्लॉक के हैं और ये जो 13 से लेके 18 तक है दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ जो हमें इस चैप्टर में देखना है वो हमें दैट मीन ये जो बीच में जो यहां पर 3 से 12 तक दैट मीन ग्रुप नंबर 3 से 12 तक स्टार्ट होता है ये जो यहां पर पार्ट है इसको हमें देखना है. दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये जो ये वाले हैं दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लास्ट वन इज दिस द एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ यहां पर एफ ब्लॉक ये है हमारा. तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमें जानते हैं कि हमारे पास 4 ब्लॉक्स होते हैं एस पी डी और एफ. ये ब्लॉकिंग दैट मीन इनका नाम ऐसे कैसे रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस वाले में जाता है किस ऑर्बिटल में जाता है ऑन दैट बेसिस वी क्लासिफाई एस पी डी एफ जो हमें देखना है आगे. तो मेन जो हमें ये चैप्टर है ये हमें दिया गया है इन एलिमेंट्स के बारे में दैट मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स. पूरा नजर रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक है और फिर बाद में हम उसके बाद जब हम डी कर खत्म कर देंगे उसके बाद हम एफ ब्लॉक में क्या क्या है वो हम एफ ब्लॉक में देख लेंगे. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम देखिए हम इसका देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले डी ब्लॉक की बात करेंगे उसके बाद लास्ट में इस चैप्टर में हम एफ पे आएंगे. सबसे पहला फोकस हमारा सारा होगा डी पे. अगर हम डी पे नजर रखें डी पे हमारे पास क्या क्या है. डी यहां से है स्कैंडियम एससी. इनको मैंने फिर बाद में अलग अलग करके भी रखा है लेकिन पहले पीरियड टेबल में देखिए इनकी पोजिशन क्या है. पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है ये पहला एलिमेंट इसका स्कैंडियम. उसके बाद टाइटेनियम. उसके बाद ये कंटिन्यूअसली चलेगा यहां तक. ये हो गई एक सीरीज. इसमें पूरा नजर रखिएगा क्योंकि पूरा चैप्टर इसी बेसिस पे रहेगा. ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसपे सारा चैप्टर एक घूमेगा. फिर सबसे पहले हमारे पास पहली डी की जो सीरीज होगी वो स्टार्ट होगी स्कैंडियम से लेके कहां तक. स्कैंडियम से लेके जिंक तक. ठीक जो मैंने यहां पर अलग करके रखा है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक. इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन भी होता है जो अभी हम डिस्कस करेंगे ही. इनको हम कहते हैं जो ये स्कैंडियम से जिंक तक है स्कैंडियम से जिंक तक इनको हम कहते हैं 3D सीरीज क्योंकि इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन जाता है फिल होता है वो 3D में होता है. 3D ऑर्बिटल में होता है इनका आउटर इलेक्ट्रॉन. तब में आउटर ऑर्बिटल जो फिल होता है लास्ट में जो ऑर्बिटल फिल होता है वो 3D में होता 3D फिल हो जाता है. और ट्रांजिशन डी ब्लॉक का दूसरा नाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो ये पहली सीरीज बन जाती है तो हम इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं फिर सेकेंड पे. सेकेंड कहां पर है पीरियड नंबर 5th में है. इसके साथ तो हमें कुछ नहीं करना ये तो पीरियड है लेकिन ये पीरियड नंबर 5th में है. कहां से स्टार्ट होता है यूटीरियम से. यूटीरियम से ये स्टार्ट होता है जो हम यहां पर दिखा रहे हैं ना वाई वाई से यूटीरियम से ये जाके फिर लास्ट में एंड हो जाता है यहां पर जिंक कैडमियम. दिस इज अ कैडमियम. यहां पर हमारे पास कैडमियम है ये खत्म हो जाते हैं किस पे जिंक कैडमियम. ये कैडमियम पे खत्म हो जाता है यूटीरियम से लेके कैडमियम तक. ये बन गई हमारी दूसरी ट्रांजिशन सीरीज. इसको हम कहते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज. पहली वाली ये थी जो स्टार्ट हुई स्कैंडियम पे और एंड हुई जिंक पे. दूसरी ट्रांजिशन सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है ये यूटीरियम से स्टार्ट हो रही है और एंड कहां पर हो रही है कैडमियम पे.
तीसरी जो तीसरी ट्रांजिशन सीरीज है, तीसरी ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम दूसरा नाम 5D सीरीज भी कहते हैं, या कह सकते हो आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, वो कहां से कहां तक है? लैंथनम से स्टार्ट होती है, लैंथनम पे स्टार्ट होती है और एंड होती है मरकरी पे, ठीक है। ये हो गई थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद हमारे पास फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज भी है, दैट मीन अगर हम इसी हिसाब से चले, इसको आपने कहा 3D ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहा 4D, इसको 3D क्यों कहा वो हम आगे देखेंगे। 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D ट्रांजिशन सीरीज, 5D ट्रांजिशन सीरीज, फिर तो ये 6D ट्रांजिशन सीरीज होनी चाहिए, 6D सीरीज, या आप इसको कर सकते हो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिसेंटली डिस्कवर हुए और उनके बारे में कंप्लीट उनकी इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हमारे पास नहीं है। तो अभी जो हम इस चैप्टर में जाएंगे, हम तीन ही सीरीज पे रहेंगे, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज को आप दूसरा नाम कह सकते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D सीरीज को कह सकते हो इसका दूसरा नाम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D सीरीज, 5D का दूसरा नाम होगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो ऐसे हमारे पास ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास क्या है बेटा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक पहली सीरीज होगी, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इसको आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हो, 3D सीरीज कह सकते हो। दूसरा होगा हमारे पास 4D सीरीज, 4D सीरीज या कह सकते हो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। ये कहां से स्टार्ट, यूटीरियम से स्टार्ट होगी और एंड होगी कैडमियम पे। उसके बाद 5D सीरीज जो तीसरी सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको कहते हैं दूसरा नाम इसका, तो ये स्टार्ट होती है लैंथनम से लेके मरकरी तक, ठीक। हाँ, स्कैंडियम से जब आप जिंक तक चलोगे, एटॉमिक नंबर जेड इज द एटॉमिक नंबर, कंटिन्यूअस एटॉमिक नंबर है, 21, 22, 23, 24, 25 से लेके 30 तक। दैट मीन अगर कोई पूछेगा 3D सीरीज कहां से कहां तक है, एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30। 4D सीरीज यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, इट इज यूटीरियम एंड एंड्स एट कैडमियम, एटॉमिक नंबर 39 to 48, कंटिन्यूअस नंबरिंग है, आप देख लीजिए यार 39, 40, 41 ऐसे। जो आपके पास तीसरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको आप 5D सीरीज भी कहते हो, ये स्टार्ट होती है लैंथनम से, लैंथनम 57 एटॉमिक नंबर, फिर बीच में गैप है क्योंकि देखिए दूसरा एलिमेंट कौन सा है इसका, हैफनियम, हैफनियम 72, तो बीच में इसमें एलिमेंट्स गायब है, इसमें आपने बीच में गैप रखी, इन दो सीरीज में गैप नहीं है, इस चीज को पूरा नोट करके रखिएगा, यहां पर गैप है, ये गैप, ये बीच वाले एलिमेंट्स कहां गए, ये एफ में गए, ठीक है। तो यहां से यहां बहुत सारी चीजें चेंज होगी जो हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में। ये सीरीज कंटिन्यूअस, ये सीरीज कंटिन्यूअस, लेकिन यहां पर लैंथनम से लेके हैफनियम में बीच में गैप है, 57 से सीरीज स्टार्ट हो गए 72, ये बाकी जो 58 से लेके 71 तक है ये कहां है, ये एफ ब्लॉक में है, इनको हमें अलग पढ़ना है, लेकिन प्रॉपर्टीज पे बहुत एक अचानक असर दिखेगा आपको जो हम आगे प्रॉपर्टीज में कहीं पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास तीन ट्रांजिशन सीरीज हमारे सामने है, ऑल्दो 3D चार ट्रांजिशन सीरीज होती है, लेकिन हम पहले तीन ही पढ़ते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, या आप कह सकते हो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। इनका नाम 3D, 4D, 5D सीरीज क्यों पड़ा वो तो कॉन्फ़िगरेशन पे आपको दिखेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम मेन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद लास्ट में हम चैप्टर के एंड पे एफ ब्लॉक एलिमेंट का यूज करेंगे। देखिए ये जो चैप्टर पूरा है इसमें हमें क्या करना है, इतना बड़ा चैप्टर है नहीं है, चैप्टर ये बहुत छोटा ही है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी इनकी, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, सीरीज जो बनती है 3D सीरीज, 4D, 5D, उनके आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। एंड आफ्टर दैट जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे उसके बाद कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इसमें से बनते हैं, उनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज अलग से पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम एफ ब्लॉक में जाएंगे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड दिस चैप्टर फिनिशेस। ये पूरा जो इस चैप्टर का जो बनता है ना स्केलेटन जो है, इस चैप्टर में हमें पहले 3D सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, 3D, 4D, 5D तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है फुल फ्लजर्ड। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारा पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं, दो कंपाउंड्स रखे हैं आपके सिलेबस में, एक KMnO4 पे और K2Cr2O7 पे, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट पे, वो हम देख लेंगे आगे। उसके बाद हमें सीधे एफ ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है।
बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा चैप्टर है। चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमें डी ब्लॉक अभी पहले पढ़ना है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हो इनका दूसरा नाम, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनका दूसरा नाम पड़ता है। आप जो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो, क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो, बिकॉज देयर पोजिशन लाइ इन बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने अभी देखा जो मैं पीछे पीरियोडिक टेबल बना के था, तो उसमें आपने देखा ये जो डी ब्लॉक है ये कहां पर है, एस और पी के बीच में है, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज लगती हैं कि जैसे एस और पी का ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन होता है ना पड़ाव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक में हमारे पास जो मेटल्स है, दैट मीन एस ब्लॉक पूरा भरा हुआ है मेटल्स से, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द मेटल सॉफ्ट है, ठीक है। और जो पी ब्लॉक है उसमें जो मोस्ट ऑफ द चीजें है, मोस्ट ऑफ द मैं कह रहा हूं नॉन मेटल्स है, ठीक है, नॉन मेटल्स है। और अगर हम इसमें और इसके बीच में देखें, इसके बीच में हमें पड़ता है ट्रांजिशन डी ब्लॉक। दैट मीन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालिक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उतनी मेटालिक नहीं है जितनी एस ब्लॉक की है, जितनी एस ब्लॉक की है। एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो सॉफ्ट है, लेकिन जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो हार्ड है। तो प्रॉपर्टीज में एक ट्रांजिशन है, दैट मीन एक पड़ाव है, जैसे चेंज, ट्रांजिशन होता है एक किस्म का चेंज। दैट मीन आपके पास मेटल्स है, अब ये अपने आप को चेंज कर रहा है, जब एक चेंजिंग पॉइंट पे है उनकी प्रॉपर्टीज बन जाती है डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक जो हमारे पास है उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन है एस और पी में, ऑल्दो दे आर ऑल मेटल्स बट दे आर नॉट द मेटल्स ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। ऐसे लगता है कि जैसे एक ट्रांजिशन होने वाला है, कहां से, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। दैट मीन एस ब्लॉक आपका मेटल्स के लिए, पी ब्लॉक आपके लिए नॉन मेटल्स के लिए, और ट्रांजिशन एक बीच में आ जाता है, दैट इज नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट। सो पहला पॉइंट हमारा, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हो डी ब्लॉक्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज, या इनकी जो पोजिशन है, पोजिशन कहां पर है, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में। आप जानते ही हो जो आपका पीरियोडिक टेबल बना है वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नंबर, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज बनती हैं। तो इसी बेसिस पे इनका नाम पड़ा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो देयर पोजीशन लाइज इन बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। सेकेंड, अगर हम अब इसको डिफाइन करें, सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम डिफाइन करने जा रहे हैं, याद रखा। लेकिन ट्रांजिशन कौन कौन है हमारे पास, ये है 3D ट्रांजिशन सीरीज, 4D, 5D और एक है 6D, लेकिन इस वक्त हम उसके बारे में इस चैप्टर में कुछ डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, हम इन तीन पे ही ज्यादा फोकस रखेंगे, 3D, 4D और 5D। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिफाइंड एज those elements whose d orbital is partially filled। देखिए बहुत ही एक important point है, partially filled in their ground state, in their ground state और एक्साइटेड या
इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी डेफिनेशन कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होता है, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको डी बताऊं, डी हम पिछले चैप्टर में भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और यहां पर भी बताऊं डी में पांच एनर्जी लेवल्स होती है डिजेनरेट, जिनकी एनर्जी बराबर है पांच, है ना, जिसमें हम एक को कहते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा हमारे पास डी ऐसे होता है। अब अगर हम स्कैंडियम की बात करें, स्कैंडियम, स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर इसका 21 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन, शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आर्गन लिखा पहले शॉर्ट में, 3d1 4s2, आर्गन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके, दैट मीन आर्गन जो आप दिखा रहे हो, दैट मीन दिखा रहे हो कि 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। फिर आप दो डाल रहे हो किसमें, एस में, फिर एक डाल रहे हो किसमें, डी में। और आपको पता ही होगा ओबा प्रिंसिपल से कि पहले आपने एस को फिल किया, फिर उसके बाद डी को फिल किया, इन दोनों की जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत ही कम है, लेकिन पहले सबसे पहले एस फिल होता है, फिर जाके डी फिल होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी एनर्जीज के बारे में और हमें सीखना है। ये जो स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर 21 है, एटॉमिक नंबर 21 में दैट मीन आपने एस में दो डाले और डी में एक डाला, ऑर्गन हो गया 18। तो डी में कितने हैं इस वक्त, एक है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूं यहां पर देख लीजिए, मैंने यहां पर अलग से इसका चार्ट भी बनाया है जो आपकी टेक्स्ट बुक भी बना रही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 21 एटॉमिक, जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड क्या है एटॉमिक नंबर 21। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 4s में कितने हैं, 2, दैट मीन हो गई ये, तो इसका डी ऑर्बिटल पार्शियली, और ये भी देखिए आपने इसमें कौन सा डी फिल किया, 3d, तो इसीलिए इसका नाम 3d सीरीज पड़ा, ठीक। अब इसमें आपने कौन सा इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रखे, एक, तो इसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है ना, जब पार्शियली फिल्ड है तो ट्रांजिशन एलिमेंट की तो यही डेफिनेशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहा है कि जिसका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होगा, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहां पर होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए नॉर्मल, स्कैंडियम ऐसे, या तो किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में एक, चलिए बोले टाइटेनियम में कितने हैं, डी में 2, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। वैनेडियम में कितने हैं, 3, क्रोमियम में कितने हैं, 5, मैग्नीज में कितने हैं, 5, आयरन में कितने हैं, 6, अभी भी पार्शियली फिल्ड है, फुल फिल्ड नहीं हुआ, आयरन 6, ऐसे ही कोबाल्ट 7, निकल ऐसे ही ये आ जाएगा निकल 8, ठीक है, कॉपर हो गया 10, जो यहां पर हम दिखा रहे हैं। तो यहां से हमें यह लग रहा है कि स्कैंडियम से लेके आप दक्षिणी पार्शियली फिल्ड क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा जहां तक 9 होंगे इसमें, है ना, 9 होंगे तो ये पार्शियली फिल्ड है। स्कैंडियम इस डेफिनेशन में स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, टाइटेनियम भी डी ब्लॉक, वैनेडियम भी डी ब्लॉक, क्रोमियम भी इस डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड कहां पर आपको यह लग रहा है, कंप्लीटली फिल्ड हमें लग रहा है ना कि कॉपर और जिंक में ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से कॉपर और जिंक तो होने नहीं चाहिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट कॉपर जो है, कॉपर, कॉपर का तो डी फिल्ड है, कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है यहां इस हिसाब से है, इसके डी में 10 है और एस में 1 है, लेकिन हमने कहा जो डी कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ग्राउंड स्टेट और एक्स और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो है Cu+2। जब आप Cu+2 करोगे तो आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, एक आपने निकाला कहां से, एस से, और एक आपने निकाला डी से, ठीक है। याद रखिएगा जब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो पहले एस को फिल करते हैं फिर डी को फिल करते हैं, ओबा प्रिंसिपल, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त हम कहां से पहले निकालते हैं, पहले एस से निकालते हैं फिर डी से निकालते हैं, बढ़ते कहां से है,
पहले एस फिर डी, निकालते कैसे हैं, पहले एस फिर डी, इस चीज को पूरा याद रखिएगा क्योंकि इनकी एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, जो हम आगे डिस्कस कहीं और पे करेंगे, लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा कि कॉपर हम जो फिल करते हैं पहले 4s को फिल करते हैं फिर 3d को फिल करते हैं, निकालते वक्त भी ऐसा ही करते हैं, पहले 4s से निकालते हैं फिर 3d से निकालते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉपर 2 पॉजिटिव की है ना, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की प्लस 2 है, तो अगर जब आपने प्लस 2 लिखा तो पहले s का 1 निकला, d के 1 निकला, तो 3d 9 बचा ना, 9 का मतलब हो गया ना कि पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है दैट मींस इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो कॉपर बच गया। ऑल्दो इसकी ग्राउंड स्टेट में 10 है लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका 10 नहीं है। जरा जिंक की बात करें, जिंक का भी तो 10 है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन जो है इट इज जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है 3d 10 4s 2, ठीक, इस हिसाब से तो ये ट्रांजिशन नहीं है। जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, एस के 2 निकलेंगे क्योंकि पहले एस से निकलता है तो बना 3d 10, तो फिर भी अभी ये कंप्लीटली है, इसलिए जिंक को हम बोलते हैं जिंक इज नॉट रिगार्डेड ट्रीटेड एज ट्रांजिशन, दे आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ये एक्चुअली ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं जिंक। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे फॉलो होता है तो इसलिए इसको रखना पड़ता है वहां पर, अदरवाइज आप देखेंगे आगे जाके इनकी प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस करेंगे ना, आपको जिंक लगेगा कि जैसे कि अलग चीज है, क्यों, क्योंकि हमने ये ट्रांजिशन एक्चुअल टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, ये टिपिकल है क्योंकि जो डेफिनेशन बनी, डेफिनेशन में हमने कहा कि डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए बेटा, डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होना चाहिए, दैट मीन नाउ तक होना चाहिए, कब, या तो ग्राउंड स्टेट में, हाँ अगर ग्राउंड स्टेट में नहीं है फिर जाके आप एक्साइटेड ऑक्सीडेट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो, दैट मींस किसी आयनिक फॉर्म में देखो इसको, अगर वहां पर इसका पार्शियली फिल्ड है तब भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन अगर वहां पर नहीं है तब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसा ही आप देखेंगे, ये तो मैंने कहा पहले वाले में, इस वाले 3D सीरीज में, अब आप इसी को स्टार्ट कर सकते हो कहां पर, दूसरी सीरीज के लिए 4D, 4D में भी आप देखिए जो यूटीरियम है, यूटीरियम का कॉन्फ़िगरेशन आपका बना है कितना, इट इज एक्चुअल इसका नंबर है 39, इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 39 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है क्रिप्टॉन 4d1 5s2, है ना, जैसे स्कैंडियम का था 3d1 5s2, इसका हम कहते हैं 4d1 5s2, जैसे मैंने यहां दिखाया है 5s4 4d का। अब इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है लास्ट में, 4d में जाता है, तो इसको हम 4d सीरीज भी कहते हैं, इन चीजों को सीखेगा, 4d सीरीज कहते हैं, तो ऑब्वियसली इसके d में 1 है तो ऑब्वियसली इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहां पर भी आप देखोगे कि गड़बड़ कहां होगा, प्लेडियम में 10 है लेकिन प्लेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन जब आप उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे उसमें पार्शियली फिल्ड आपको मिलेगा, सिल्वर में मिलेगा लेकिन कैडमियम में फिर से नहीं मिलेगा, दैट मीन जो जिंक में प्रॉब्लम यहां थी वही प्रॉब्लम कैडमियम में फॉलो होगी और वही प्रॉब्लम मर्करी में फॉलो होगी। जिंक कैडमियम मर्करी आर नॉट रिगार्डेड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर रिगार्डेड नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज दियर डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन दियर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, कौन कौन सा ये पूछा भी जाता है तो इसलिए ये पता होना चाहिए। जिंक, थर्ड पॉइंट, जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बेटा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, देयर डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड कब, इन ग्राउंड स्टेट, चाहे आप ग्राउंड में देखो, ग्राउंड में तो यहीं पर दिख रहा है 10-10 है, और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस चीज का नजर रखिएगा, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। अगर आपको कोई कहेगा
सिल्वर भी तो है एजी, इसमें भी तो 10 है, ये भी तो कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप देखोगे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये चेंज हो जाएगा, दैट मीन ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन वहां पर इसका पार्शियली फिल्ड आएगा, जब पार्शियली फिल्ड आएगा देन यू कैन गो फॉर दैट इट इज नॉट ए इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3D1 4S2। टाइटेनियम की स्कैंडियम की 3D1 आउट वैलेंस, मैं कह रहा हूं कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में कह रहा हूं, जनरल वैलेंस, वैलेंस मतलब हो गया आउटर जो होता है, लेकिन इसके दो शेल्स आउटर है, जनरल वैलेंस आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हम 3D सीरीज की बात करेंगे। स्कैंडियम की आप देख रहे हो क्या है, 3D1 4S2, ठीक है बेटा। टाइटेनियम की 3D2 4S2, ऐसे लिखा है यहां पर। वैनेडियम की 3D3 4S2, और फिर स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, इसकी होनी चाहिए थी 3D4, लेकिन यहां पर 5 हो गया 4S2, इज एन 4S1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया होता है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन किस वजह से, पार्शियली फिल्ड, दैट मीन पार्शियली फिल्ड, डी अगर डी में 5 आ जाते हैं दैट इज पार्शियली फिल्ड, तो हम ये स्टेबिलिटी लेता है। ऐसे ही फिर आयरन में आप देखोगे, नहीं उसके बाद मैग्नीज है 3D5 4S2। तो जनरल में अगर मैं आप जनरल में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाऊं, ये जो एस वाला होता है ना, इसका इसको हम कहते हैं आउटर, पूरा ये आउटर का है, और उससे एक पहले जो ये 3D है इसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शब्द। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका अगर हम सबका दिखाए एक जनरल में बनाए, तो आपका बन जाएगा N-1D 1 to 10 NS 1 to 2। ये जनरल के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको इसमें फिट हो जाएगा N-1D 1 to 10 NS 1 to 2। कॉन्फ़िगरेशन सीधे सीधे चलता है, जैसे आपको सिखाया गया है कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है, वो आपको वही फॉलो कर रहे हैं रूल्स ऑफ 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 जो आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस हैं, जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो जाता है, जैसे क्रोमियम में आप देखते हो हाफ फिल्ड की वजह से यहां पर एक्सेप्शनली मैं मार्क कर रहा हूं, इसमें 5 आते हैं जबकि होने चाहिए थे डी में 4 ही, और ऐसे ही कॉपर में होने चाहिए थे कितने, कॉपर में होने चाहिए थे, इसमें होने चाहिए थे 9, लेकिन यहां जैसे 8 उसके बाद 9 होना चाहिए, नहीं इसके 10 आ गया, क्योंकि ये भी एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है। इसका आप देख लीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाफ फिल्ड अगर आप नीचे देखोगे ना, इससे भी ज्यादा आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम्स है, दैट मीन जैसे हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं वैसा नहीं है, जैसे नियोबियम में, जबकि यहां पर 3 होना चाहिए, यहां पर 2 होना चाहिए, 4 आ गया, 1 आ गया, देयर आर सो मेनी रीजंस, इट्स नॉट ओनली हाफ फिल स्टेबिलिटी, कंप्लीटली फिल स्टेबिलिटी, देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाती है, जो नॉर्मली होना चाहिए था वैसे चलता नहीं है, फिर चेंज हो जाता है, तो हमें फिर उसी हिसाब से इसको चेंज करना पड़ता है, बट वी डोंट नीड राइट नाउ टू गो इन दीज रीजन, बिकॉज देयर आर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स की आपस में अट्रैक्शन कैसे है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन कैसे है, वो सब चीजें बिठा देता है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बैठेगी। लेकिन इस सब में एक चीज देखने लायक है कि एस में और डी में जो एनर्जी गैप है ना, वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर सकता है एस से डी या डी से एस, इसीलिए ये गड़बड़ हो जाता है। आप यहां पर देखें, यहां पर था एस में 2 डी में 2, ठीक था, डी में 1 था एस में 2, पहले वाले में डी में 2 एस में 2, फिर डी में 1 साथ 4 आ गए, दैट मीन एस से भी इलेक्ट्रॉन 4 इसमें चला गया,
यहां पर भी ऐसा ही हुआ। तो देखिए ये बहुत जगह पे होता है। इससे ओवरऑल कंक्लूजन ये हम दिमाग में रखेंगे जो हम डिस्कस भी आगे करेंगे, एस और डी की जो एनर्जी गैप है ना वो बहुत कम है। फिलहाल किसी भी एलिमेंट को आप इसमें फिट कर सकते हो इस फॉर्मूला में, एन माइनस वन डी एन एस टू, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइटेनियम का करना है, ये टाइटेनियम करना है, टाइटेनियम, ठीक। टाइटेनियम, अब सबसे पहली बात आती है ये एन क्या है, ठीक है ना। एन इज द आउटर शेल, एन आप लिख सकते हो इट इज द आउटर शेल। उस एलिमेंट का आउटर शेल कौन सा है, या उससे भी अच्छी चीज मैं कहता हूं आप याद रखिएगा, एन है क्या, एन इज द पीरियड नंबर। अगर आपको ऐसे याद रहा तो ठीक, वैसे याद रहा तो ठीक, एन इज द नंबर ऑफ पीरियड या पीरियड नंबर। दैट मीन ये किस, ये जो पीरियड, ये जो एलिमेंट है ये किस पीरियड नंबर का है, पीछे देख लीजिएगा जो मैंने पहले ट्रांजिशन ये ना पीरियोडिक टेबल बताया। पीरियोडिक टेबल में देखिएगा लाइन में पीरियड्स मैंने कहा, जो टाइट ये जो पूरी सीरीज है ना, ये सारी सीरीज किस में है, इसका एन क्या है, पीरियड नंबर फोर्थ है, पीरियड नंबर फोर है। अब देख लीजिएगा जो मैंने पहले डायग्राम बनाई थी उसमें है पीरियड नंबर फोर्थ। देखिए इन सब के लिए एन क्या है, फोर। अब टाइटेनियम है, टाइटेनियम के लिए एन क्या है, फोर, फोर एस एन फोर माइनस वन दैट इज थ्री डी। फिर आपको एटॉमिक नंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन देने हैं, एस में दो है और इसमें भी दो है, तो इस हिसाब से ये इस कॉन्फ़िगरेशन में फिट होता है। ये कोई और लीजिए, जरूरी नहीं है टाइटेनियम, हम किसी और पे ट्राई करते हैं ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज करना है आपको। देखिए मैं कोई और लेता हूं, चलिए हम लेते हैं जिरकोनियम। जिरकोनियम, जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर है 42, 40 है, ठीक, इसका 40 है। 40 मतलब इसका होगा क्रिप्टॉन, ठीक, पहले नोबल गैस वो वाला क्रिप्टॉन पार्ट, क्रिप्टॉन इसके 36 का 36 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंसिडर हो गए इसमें, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज आपको आए, क्रिप्टॉन। अब इसमें क्या है, इसमें 4d2 5s2, ठीक है। ये जो अगर ये फोर्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड, तो इसके लिए n क्या है, n है इसके लिए 5, तो 5s 5 माइनस 1 हो गया 4d, 5s 4d, जब 5s 4d है तो आपने अब से फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन का हिसाब करना था, हिसाब कितना था, क्रिप्टॉन तक हो गया 36, फिर बचे ना 4, एस में 2 रखे डी में 2 रख दिए, हाँ फिर जाके कहीं पर एबनॉर्मेलिटीज हैं उन चीजों का ख्याल रखना है। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एन माइनस वन डी 1 to 10 एन एस 1 to 2। एक ही एक्सेप्शन आपको मिलेगी जो ये फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन इस कॉन्फ़िगरेशन की एक ही आपको दिखेगी, दैट इज प्लैडियम। प्लैडियम में एस में 0 है, और हमने यहां पर 0 नहीं लिखा है, 1 to 2 लिखा है और या 1 to 10, बाकी कहीं पर नहीं है एक्सेप्ट प्लैडियम, जो ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो नहीं करता, बाकी सब फॉलो करते हैं इसी में। दैट मीन जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एन माइनस वन डी 1 to 10 एन एस 1 to 2। दैट मीन किसी के लिए भी अगर आपको दिखाना है तो आप जनरल में ये कह सकते हो कि इनके आउटर में एस में 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी का भी, और डी में हो सकते हैं 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे बैठता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप देख लीजिएगा। सबसे जो हम आगे अब कंटिन्यू करेंगे भाई, वो ये है कि इनके डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये इसीलिए बनाया है ज्यादातर कि आपको पहले ही मालूम रहे कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इनको नाम भी तो आप देखते हो डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सारी चलेगी ना वो इसी डी ऑर्बिटल की वजह से चलेंगी, कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कितने पेयर्ड है, उसमें कितने अनपेयर्ड है, वो चीज देखना पड़ेगा। सो फिलहाल के लिए तो ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर रिगार्डिंग दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो याद क्या रखना है, कंक्लूजन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास, ट्रांजिशन डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन कहते हैं, हमारे पास 3 ट्रांजिशन सीरीज है,
3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D भी है लेकिन उसके बारे में हम जिक्र नहीं करते। इसको आप फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन ऐसे भी नाम दे सकते हो। इनकी जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स किनको कहते हैं, जिनका डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड हो, बट या तो ग्राउंड स्टेट में या तो किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। उसकी वजह से हम जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को ट्रांजिशन एलिमेंट पूरा नहीं मानते। दे आर नॉट रिगार्डेड एज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट ड्यू टू द कॉन्फिगरेशन वी कीप देम इन दिस टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी। और नेक्स्ट पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है इनकी। इनका आउटर शेल एस है और उससे पहले पेनल्टीमेट डी है और उसमें आपने एन लगाया। ये एन क्या है, दैट मीन ये किसी भी एलिमेंट का आउटर शेल नंबर है। या अगर आपको वैसे याद नहीं रहता है, आप पीरियड नंबर से भी इसको ले सकते हो कि वो जो एलिमेंट है वो किस पीरियड में बिलोंग करता है, ठीक है ना। जैसे कि आयरन, आयरन अगर आपको बोले आयरन के लिए ये एन क्या है, आयरन के लिए एन ये फोर है। क्यों फोर है, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है। तो फोर ये हो गया, फोर माइनस वन ये हो गया 3D, दैट मीन आयरन, इसे पता चला कि आयरन 3D का है। या कोई मुझे पूछे, चले फॉर एग्जाम्पल रिहीनियम, रिहीनियम, रिहीनियम के लिए ये एन क्या है, मैं बताऊंगा कि ये किस पीरियड का है ये रिहीनियम, ये पीरियड नंबर ये हो 4, ये हो 5, ये हो 6, ये पीरियड नंबर 6 का है, दैट मीन इसके लिए ये 6 है, इसके लिए एन क्या है 6। रिहीनियम की बात कर रहा हूँ, रिहीनियम में आर ई जो हमने कहा आर ई एन 6 है। तो जब एन 6 है, डी क्या होगा, डी होगा 6 - 1, दैट इज 5D, है ना। अगर मुझे कोई कहेगा ऐसी रिहीनियम बताओ, रिहीनियम के लिए ये क्या है, ये n और ये n माइनस वन, मैं देख रहा हूँ कि ये किस पीरियड का है, ये 6 पीरियड का, मुझे पूरी कॉन्फ़िगरेशन देखी ही नहीं मैंने, ये 6 पीरियड का है, तो इसके लिए n क्या है 6 s है और 6 - 1 d होगा। फिर वो देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 - हो गया 5d है इसमें और 6s है, ठीक है 5d 6s। फिर हम अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, वहां से हम पता कर सकते हैं कि एस में कितने हैं और डी में कितने हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, इस रिहीनियम में एस में आपके पास 5 है और एस में 2 है और डी में 5 है। तो ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। रेस्ट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।